खबर के प्रायोजक है वीके ग्लोबल हॉस्पिटल बक्सर। बेहतर इलाज, अच्छी सुविधा। बक्सर लोकसभा सीट पर इस बार भाकपा माले ठोकेगी अपनी दावेदारी। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। बक्सर में आए भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है। हमारे एक विधायक हैं, जहां जहां हमारी विधायक हैं वहां वहां तैयारी चल रहा है। 2019 में लोकसभा चुनाव में 40 में एक सीट मिला था, मगर इस बार पलट देना है। वहीं बक्सर सदर से कांग्रेस के विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने कहा कि शक्ति प्रदर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। बक्सर जिले में कांग्रेस के दो विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी शक्ति प्रदर्शन में नहीं, कामों में विश्वास करती है। आइए आपको सुनाते हैं भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और विधायक मुन्ना तिवारी ने क्या कहा। क्योंकि हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है, हमारे भी एक विधायक हैं, तो अब इसीलिए जहाँ जहाँ भी हमारे विधायक हैं, संगठन है, हर जगह हमें तो तैयार रहना है, ताकि चुनाव में 2019 में 40 में सिर्फ एक सीट विपक्ष को मिली थी, इसीलिए उसको पलट देना है इस बार के चुनाव में। और हम लोग तैयारी करेंगे और बाकी कहाँ से किसको लड़ना है, क्या करना है, उस पर तो आगे महागठबंधन में बात होगी, तय करेंगे। पाटलिपुत्रा में भी हमने कन्वेंशन किया, कल हमने पाटलिपुत्रा में भी किया, तो हमें तो लगता है कि ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। जहाँ जहाँ हमारे विधायक हैं, मजबूत संगठन है, तो हम अभी से बिल्कुल तैयारी करें। सब लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं। हाँ नहीं है, और जिला में शक्ति प्रदर्शन है। जब यहाँ दो दो विधायक हैं इस जिला में, वो शक्ति प्रदर्शन कैसा है? हम सबों को शक्ति प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी शक्ति प्रदर्शन में विश्वास नहीं करती है, काम में विश्वास करती है। और वहीं पर 23 जून को एक महागठबंधन की बैठक होने जा रही है, जिसमें हमारे परम आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सम्मानित अध्यक्ष हैं, वो शिरकत करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी के इस महागठबंधन के जुटान के लिए पूरे देश में आह्वान करने का काम ये हमारे सभी नेता कौन करेंगे। संगठन में जो बदलाव हुआ है विधायक जी, 24 में उसका क्या असर दिखेगा? निश्चित रूप से बिहार में तो हम मजबूत हैं और बिहार में हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और लगभग 40 में 40 सीटें हम जीतने का दावा करते हैं। अच्छा, अभी जिस तरह से उद्घोषणा हो रही थी मन से कि अब कोई गुटबाजी नहीं रहेगी, क्या लगता है? देखिए, गुटबाजी तो लगभग हर एक दल में है कमोबेश, और उसको हम लोग लगभग 24-25 के चुनाव के मद्देनज़र देख रहे हैं कि अगर सत्ता पे गुटबाजी नहीं रहेगी, हम सभी कांग्रेस जन एक होकर चुनाव मैदान में 24 और 25 का लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम फतह करने का काम करेंगे। सर, कितना ये बुरा है या दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके पूर्व जिलाध्यक्ष का कहीं अता पता नहीं? नहीं, हम सबों ने उनको निमंत्रण दिया है और हमारे पूर्व जिला कमेटी के, कांग्रेस कमेटी के सम्मानित लोग भी यहाँ बैठे हैं, आए हैं हमारे मंच पे, और उन सबों का स्वागत है और उनको ही बुलाया गया है। और असल में वो हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कहीं बच गए होंगे अपने काम में, इसलिए नहीं आ सके, लेकिन हमारे पुराने जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं।